हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन एंड आई वेलकम यू बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आपका फेवरेट चैनल जो ऑफर करता है क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन। अगर मैं CBSE की बात करूं तो किंडरगार्टन से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के सारे ही कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री हैं, साथ में क्वालिटी NCERT क्वेश्चंस, और साथ में हम प्रोवाइड करते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही में वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पर हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ई नोटबुक्स और ई नोट्स भी अवेलेबल हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि ऐसा चैनल जहाँ पे हर एक चीज़ आपको एक जगह मिल जाए आपको कहीं नहीं मिलेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कैसे इमर्जेंस हुआ, कैसे वो निकला, कैसे हमने उसके बारे में उसकी इंपॉर्टेंस जानी। उसके लिए हमें समझना जरूरत है ग्रेट डिप्रेशन पीरियड, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा। आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा हो, और इन केस अगर आपने वो वीडियो स्किप कर दिया था तो सबसे पहले जाके वो वाला वीडियो आपको चेकआउट करना है, क्योंकि वो बहुत ही एक लंबी कहानी जिसको मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करी है कि मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू, कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू आपको पूरा पढ़ाऊँ, कहानी के थ्रू आपको पढ़ाऊँ, ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, एकदम मैग्नेट की तरह स्टिक हो जाए आपके ब्रेन में। मैंने कोशिश करी है, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो, जो भी फीडबैक हो, उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड की, कैसे ये शुरू हुआ, हमने पढ़ा था कि ये हुआ था हमारा स्टार्ट USA से, लेकिन जो इसका इंपैक्ट आपने देखा था पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ा था, ठीक है। पहला पॉइंट हमने ये देखा था। उसके बाद हमने ये चीजें पढ़ी थी कि शुरू हुआ था 1929 में, और 1939 तक जाके इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हुई थी। मतलब आप ये सोच रहे हो कि कितना बड़ा प्रोसेस लगा, चीज़ें बिगड़ने में बहुत कम टाइम लगता है। इवन रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, बिगड़ती बहुत जल्दी हैं चीज़ें, है ना, लेकिन सुधरने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वैसे ही इकोनॉमी भी है। हमने क्या बोला था, जैसे ह्यूमंस के भी इमोशंस होते हैं, हम भी डिप्रेशन में कभी कभार जाते हैं, ऐसी इकोनॉमी भी डिप्रेशन में जाती है, जहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से डाउनफॉल होता है सभी चीज़ का, है ना। नथिंग वर्क्स राइट, हाई इन्फ्लेशन रेट हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, साथ ही में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमने पढ़ी थी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, इन सारी ही चीज़ों पे एक तरीके से बहुत रुकावट आने लगती है, बहुत स्लो रेट में चीज़ें चलने लगती है, उसी को हम रिसेशन कहते हैं या डिप्रेशन ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। होपफुली थोड़ा बहुत याद आया हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में, राइट। तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि एक इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अच्छा ठीक है, ये इसमें से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। कॉमेंट सेक्शन में आप सभी को टाइप करके मुझे बताना है कि कौन है हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखते हैं किस किस ने ध्यान दिया है क्लासेस में, फाइन। चलिए तो आगे की कहानी जाने हम कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे, भाई हम लोग ने सोचा कि इसको पढ़ना चाहिए, क्यों हमारी एक और बुक बढ़ गई, माइक्रो तो पढ़ ही रहे थे, मैक्रो पढ़ना क्यों ज़रूरी हो गया, उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। हमने इनकी एक थ्योरी भी पढ़नी है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी नहीं थी, मॉडर्न इकोनॉमिक्स थ्योरी इन्होंने डिराइव करी थी, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और क्यों उन्होंने बोला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो एग्रीगेट्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये जानते हैं। सो ही वॉज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट बॉर्न इन 1883, ये याद रखना है। अब देखो आपने क्या लिखना है, आप नोट्स कैसे बना सकते हो। देखो नोट्स बनाना भी ना थोड़ी आर्ट होती है। सबसे पहले आपने इनका नाम लिखा, नाम लिखा, उसके बाद ऐसे लिख दो बॉर्न, ठीक है, ये करो 1883, दैट्स इट। शॉर्ट्स में नोट्स बनाओ ताकि आपको टू द पॉइंट समझ आए, ठीक है। और इनकेस जैसे कि ये तरीके से भी आपको नोट्स बनाने आप बना सकते हैं, मैं साइड हट जाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो ई नोट्स और ई नोटबुक्स भी अवेलेबल है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक बार जाके ज़रूर देख लेगा। और चैनल को लाइक करना है आपको, कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और कॉमेंट भी ज़रूर करना है। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे कि इनका जो ये बॉर्न हुए थे, इनका जो जन्म हुआ था 1883 में हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम एंड वॉज लेटर अपॉइंटेड इट्स डीन। ओके, तो ये पूरी ना एक तरीके से हिस्ट्री है जिसको हमें पढ़ना है, बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसमें समझाने से कुछ नहीं है, लेकिन एक वन लाइनर की तरह हमें याद रखना है। कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि भाई उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी थी, तो आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने किंग्स कॉलेज से पढ़ाई करी है। ठीक है, नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम बीन अ शार्प इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ शार्प इंटेलेक्चुअल, समवन हु हैज अ शार्प माइंड, है ना, जिसकी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है, एनालिसिस करने की क्षमता बहुत स्ट्रांग है। इसलिए स्ट्रांग है तभी तो भाई वो इतने ग्रेट इकोनॉमिस्ट है कि उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो थ्योरीज थी, उनने जो कॉन्सेप्ट्स डिराइव करे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए हम आज पढ़ रहे हैं। तो ही वॉज अ शार्प इंटेलेक्चुअल। ठीक है, ही एक्टिवली इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ फॉलोइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानियाँ मैंने चैप्टर नंबर वन में आपको पूरी समझाई है कि किस तरीके से शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो चीज़ें शुरू हुई, यूएसए की इकॉनमी बूम हुई, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ, उसकी वजह से कैसे यूएसए की इकॉनमी को इफेक्ट पड़ा, हम ऑलरेडी पूरी कहानी पढ़ चुके हैं, वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ फॉलोइंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड वॉर के पहले, उसके बीच में और उसके बाद में क्या इफेक्ट्स हो रहे थे इकोनॉमी को, उसको पूरा स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने अपनी थ्योरी निकाली। ठीक है, एक बार इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। डन, देखो मैंने कोशिश करी है कि पैराग्राफ से हटके आपको पॉइंट वाइज में हर एक चीज़ इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर्स लिखना इजी हो जाए और आपके दिमाग में रहे। मैंने क्या बोला, बॉर्न कब हुए हैं, 1883, कौन से कॉलेज गए हैं भाई, किंग्स कॉलेज गए हैं, कहाँ के, कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम के, इतना याद हुआ अभी आपको। उन्होंने कहाँ पूरी स्टडी चालू करी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अकॉर्डिंग शुरू करी थी, उन्होंने देखा था कि किस तरीके के इंटरनेशनल रिलेशंस अपनी जो कंट्रीज़ हैं साथ वाली, है ना, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे बन रहे हैं, इकोनॉमी पे मेजरली क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको हमने स्टडी किया था। फाइन, डन, आगे बढ़े, चलो ग्रेट। हिज बुक, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो यहाँ पे, ज़रा फटाक से स्टार मार्क करो, हिज बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट and money 1936 is regarded as one of the most influential economics book of the 20th century. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि किसने ये बुक लिखी है, है ना। सिंपली बोल देंगे कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी किसने लिखी है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइमलाइन क्या है हमारी पूरी ग्रेट डिप्रेशन की, 1929 से लेके 1939 तक, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स लगे थे कि इकोनॉमी फिर से स्टेबल हो पाए, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये भी चीज़ मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी कि 1929 से लेके अगर मैं बात करूँ 1933 तक, बहुत सारे एफर्ट्स यूएसए ने किए थे कि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर पाए, लेकिन वो सारी चीज़ें उनके फेवर में वर्क बिल्कुल नहीं कर रही थी। फिर 1933 में न्यू डील करके एक कॉन्सेप्ट आया, न्यू डील करके एक कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद हमारी इकोनॉमी रिवाइव होने शुरू हुई। देखो न्यू डील के भी ज़्यादा मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ा था बिकॉज आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, फिर भी बता दूँ, ये ऐसी डील थी जिसमें हमने एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बूस्ट करने के लिए हमने ये बोला था कि भले एम्प्लॉयमेंट आप कम वेजेस प्रोवाइड करो, लेकिन प्रोवाइड करो। क्यों? क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा आएगा तभी वो डिमांड करेगा। अगर मेरे पास किसी चीज़ की मनी नहीं है, ठीक है, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं डिमांड तो नहीं करूँगी ना कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं सिर्फ अपनी ज़रूरतों को देखूँगी कि मेरी सिर्फ ज़रूरतें पूरे हो पाएँ। लेकिन अगर मेरे पास एक रेगुलर इनकम आनी शुरू हो जाएगी तो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैं इंक्रीज़ करूँगी, ठीक है, मैं ये भी परचेज़ कर लेती हूँ, वो भी परचेज़ कर लेती हूँ, होता है, हम सब आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। सिमिलरली न्यू डील में ये क्या बोला गया कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड करो, भले क्योंकि हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया था, 3% से लेकर 25% बढ़ गया था। तो आप सोचो, पहले सिर्फ 3% लोग अनएम्प्लॉयड थे, अब सडनली वो रेट कितना 25% तक बढ़ गया था, जिससे पता चलता है कि इकोनॉमी कितनी डाउनफॉल में थी। तो उसको रिवाइव करने के लिए इसमें ये बोला गया कि न्यू डील में कि आप लोगों को प्रोवाइड करो एम्प्लॉयमेंट, भले ही आपको कम पैसा देना पड़े, लेकिन
आप उनको प्रोवाइड करो, एटलीस्ट लोग काम करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा आएगा ना, धीरे धीरे इकोनॉमी जनरेट फिर से होना शुरू होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ना शुरू होंगी, और हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डाउनफॉल चल रहा था वो अब हम धीरे धीरे फिर से इकोनॉमी हमारी बढ़ने लगेगी। तो ये टाइमलाइन समझ आई? क्यों ये टाइमलाइन मैंने आपको फिर से समझाई, क्योंकि बुक कब आई है, 1936 में, ठीक है, 1936 में ये बुक आई है। मतलब हम बात कर रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन पीरियड को उन्होंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया होगा और उसके थ्रू ही उन्होंने पूरे अपने कंक्लूजन्स निकाले हैं, है ना। तो ये चीज़ें, इसलिए आपको थोड़ा टाइमलाइन दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इमर्ज आफ्टर द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स पब्लिश्ड हिज सेलिब्रेटेड बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ हमें हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, एक स्मॉल यूनिट में क्या हो रहा है, उसको स्टडी करना ज़रूरी नहीं है, एंड इकोनॉमी एज एन होल वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कि हमें हर एक चीज़ को कंसिडर करने की ज़रूरत है। सिर्फ जैसे कि माइक्रो क्या होता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्मॉलर यूनिट्स में हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि हम बजट बना रहे हैं अपने घर का, तो वो क्या है, माइक्रो। इंडियन गवर्नमेंट बजट बना रही है पूरी अपनी इंडियन इकोनॉमी की, पूरी अपनी इंडिया की, तो वो क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो क्यों हो रही है, उसको कैसे ठीक करें, इन्फ्लेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको कैसे ठीक करें, अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, उतनी डिमांड नहीं है, तो किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ये सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमी फेस करती है उसको स्टडी करके, उसका एनालिसिस करके हमें क्या करना चाहिए और क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना, उन्होंने हमें ये बताया था, ठीक है। तो बुक का नाम याद रखना ज़रूरी है, कब आई थी याद रखना ज़रूरी है, 1936 में आई थी, ठीक है। 1883 में ही वॉज बॉर्न, उन्होंने अपनी एजुकेशन किंग्स कॉलेज यूनाइटेड किंगडम कैम्ब्रिज से करी हुई है। आपको ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स इनको याद रखना है। देखो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो डायरेक्टली इनके बारे में ना पूछें थे डिटेल में, लेकिन MCQs वन लाइनर क्वेश्चन में डेफिनेटली आ सकता है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फाइन, होपफुली ये चीज़ें समझ आई। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रुको मैं अंडरलाइन ही कर देती हूँ वरना आप लोग भूल जाएंगे, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसी से मुझे याद आया, मैंने आपको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला है कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है, आपको बताना कि उनकी कौन सी बुक फेमस थी। देखो जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेट का ज़माना तो था नहीं उस टाइम पे, उस टाइम पे बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, तो उन्होंने कौन सी बुक बनाई है, कौन सी इतनी फेमस है, आपको अब बताना है। इट इज़ अ वेरी फेमस बुक, हर बार हम उसका नाम पढ़ते जब भी हम डिस्कस करते हैं, तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना है, ठीक है। इनकी बुक आपको याद रखनी है, ईयर याद रखना है, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है और उसको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, डन। चलो ग्रेट, आ जाओ फिर से एक और चीज़ हम पढ़ते हैं। द डोमिनेंट थिंकिंग इकोनॉमिक्स बिफोर कीन्स वॉज ऑल द लेबरर्स हु आर रेडी टू वर्क विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल द फैक्ट्रीज विल बी वर्किंग फॉर देयर फुल कैपेसिटी। दिस स्कूल ऑफ थॉट इज नोन एज द क्लासिकल ट्रेडिशन, ठीक है। क्लासिकल ट्रेडिशन थ्योरीज को उन्होंने एक तरीके से रिप्लेस करने का सोचा था कि हमें मॉडर्न वे में सोचने की ज़रूरत है। जैसे कि उन्होंने क्या बोला था कि लेबरर्स हु आर रेडी टू वर्क विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल द फैक्ट्रीज विल बी वर्किंग एट देयर फुल कैपेसिटी। जो भी काम करना चाहते हैं उनको फुल एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए और फैक्ट्रीज को अपने फुल एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। तो यही एक थी, करेक्ट। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप सभी ने स्क्रीनशॉट। तो क्लासिकल थिंकिंग क्या थी भाई, जिसको काम करना है उसको काम मिलना चाहिए और फैक्ट्रीज को फुल्ली एफिशिएंट वर्क करना चाहिए, बस करना चाहिए, ये क्लासिकल थिंकिंग थी। अब इन्होंने क्या थिंकिंग लेके आई, इन्होंने किस तरीके से इमर्जेंस किया मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको समझते हैं। पॉइंट नंबर वन, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 लेड टू अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन आउटपुट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन यूरोप नॉर्थ अमेरिका एंड ग्लोबली। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब ने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा था कि बहुत ही ज़्यादा हमारा आउटपुट एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट पर बहुत असर हुआ था, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल बहुत कम हो गया था, लोगों ने डिमांड करनी बंद कर दी,
तो हमारा प्रोडक्शन लेवल एकदम जीरो हो गया और ओवर स्टॉक हमारे पास रखा हुआ था। सेकेंड पॉइंट, एग्रीगेट आउटपुट इन द यूएसए फेल बाय अप्रॉक्सीमेटली 33% ड्यूरिंग दिस ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने क्या पढ़ा था, दो फिगर्स अभी तक हमने पढ़े कि 3% से लेके 25% तक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका था, और आपको ये भी याद रखना है कि एग्रीगेट आउटपुट हमारा 33% तक एक तरीके से गिर चुका था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, दीज इवेंट्स प्रॉम्प्टेड इकोनॉमिस्ट टू रीथिंक हाउ इकोनॉमीज फंक्शन। इससे हमें पता, अब देखो इसमें क्लासिकल थिंकिंग क्या कहती है कि फैक्ट्रीज को अच्छे से काम करना चाहिए और जो भी काम करना चाहता है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, क्लासिकल थिंकिंग ये थी। लेकिन जॉन ने क्या बोला, जॉन मेनर्ड कीन्स ने ये बोला कि भाई ऐसे काम नहीं चलता, आपको दूसरे फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे कि अगर लोग काम नहीं कर पा रहे, उनको जॉब नहीं मिल पा रही, तो उसका रीज़न क्या है। आपने तो बोल दिया जिसको काम करना चाहिए उसको काम मिलना चाहिए, फैक्ट्रीज एकदम फुल फ्लेज में चलनी चाहिए, लेकिन आपको कॉजेस तो देखने पड़ेंगे ना कि क्यों ये सारी चीज़ें असर करती है। तो वो किसी ने स्टडी करना ज़रूरी नहीं समझा, वो क्या थे हमारी क्लासिकल थिंकिंग। ये हमारे कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मॉडर्न थिंकिंग को बताया कि हमें जो क्लासिकल थिंकिंग है ना हमारी, जो होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है और थोड़ा रियलिटी चेक में आइए कि कैसे इकोनॉमी हमारी सफ़र कर रही है, क्यों हमारा ज़रूरी है कि हम रियलिटी चेक से चीज़ों को पढ़ें। क्यों हमें 10 साल लग गए 1929 से 1939, क्यों लग गए, क्योंकि हम चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर रहे थे। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स या टर्मिनोलॉजी को अपने कंसिड्रेशन में लिया ही नहीं, बस आपने तो बोल दिया लोगों को काम नहीं मिल रहा, ठीक है फैक्ट्रीज कर नहीं रही काम, ऐसे नहीं चलता, उनको क्यों नहीं मिल रहा काम, क्यों वो काम नहीं कर पा रहे। ये सारी चीज़ों को पढ़ना, इनको समझना ही इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, दीज इवेंट्स प्रॉम्प्टली इकोनॉमिक्स टू री थिंक हाउ इकोनॉमीज फंक्शन। इन्होंने क्या प्रॉम्प्ट किया इकोनॉमिक्स को कि सोचो फिर से थोड़ा कि आपकी ट्रेडिशनल थिंग से काम नहीं चल रहा है। देखो टाइम जो है ना डायनेमिक फंक्शन है, चेंज होता है, हम मैनेजमेंट भी पढ़ते दैट मैनेजमेंट इज डायनेमिक, तो ऐसी हमारी थिंकिंग भी डायनेमिक होनी बहुत ज़रूरी है। चलते समय के साथ अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, टीचिंग में हो, आप किसी बिजनेस प्रोफेशन में उसमें हो, आपके इकोनॉमिक्स में हो, कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम के साथ बदलें आगे बढ़ें। तो वैसे इन्होंने भी बोला कि आपकी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग थी ना उसको थोड़ा साइड करो, थोड़ा मॉडर्न तरीके से चीज़ों को सीखो, रियलिटी चीज़ देखो कि रियलिटी अब बदल चुकी है, पहले जैसे इकोनॉमी चली नहीं रही तो आप पहले जैसे सॉल्यूशंस कैसे लगा सकते हो, है ना। आज के समय पे जो दिक्कत है आपको उसी तरीके से उसको टैकल करना पड़ेगा। सो लॉन्ग लास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट बिकेम अ क्रिटिकल इशू दैट नीडेड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है, 10 साल तक अगर आपका ये चल रहा है रिसेशन, 10 साल तक अगर लोग काम करने का मौका नहीं मिलेगा, अगर कोई इंसान जो कमा रहा है अच्छा खासा, सडनली उसके पास पैसा नहीं मिल रहा है उसको जितना वो कमाता था, और उसको सोचो 2-3 महीने में अगर हम काम ना करें, हमारी सैलरीज ना आए हमारे घर पर, तो कितना बुरा असर होता है। ये चीज़ें हटा दो, ये इकोनॉमिक्स बहुत रियल लाइफ सब्जेक्ट है, आप खुद सोचिए, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए पहली बात तो, लेकिन ऐसा कुछ बुरा वक्त आया और सडनली आपके घर में 2-3 महीने इनकम नहीं आ रही है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू सर्वाइव ना। पहले तो इनकम नहीं आ रही, उसके बाद जो आपने सेविंग्स कर रखी है वो भी सारी चली जाएंगी। तो ऐसे में सोचो अगर लॉन्ग लास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए तो कितनी बुरी इकोनॉमी हो जाएगी हमारी, कितना डाउनफॉल आएगा इंडिविजुअल टर्म्स पे भी और मैक्रो टर्म्स पे भी, मतलब माइक्रो मैक्रो दोनों पे असर आने वाला है ना। तो दैट इज़ वाई हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से सभी। डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे बताया था यूएसए से स्टार्ट हुआ लेकिन वर्ल्ड तक इसका पूरा प्रभाव दिखा है, इन्फ्लुएंस दिखा है, यही यहाँ पे लिखा है, यूरोप नॉर्थ अमेरिका एंड ग्लोबली, ग्लोबली का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड पे। ठीक है, देखो सारे वर्ड्स को ना 2-3 तरीके से यूज़ किया जाता है, तो अगर आपको कोई एक नया टर्मिनोलॉजी दिखती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, नहीं तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर वर्ड को ऐसे एक्सप्लेन करते चली जाऊँ मैं आपको साथ साथ में। समझ आया कि पहले क्या था कि क्लासिकल थिंकिंग थी, ये कौन सी थिंकिंग लेके आए हैं, मॉडर्न थिंकिंग। ठीक है, अब देखो कीन्स बुक्स इंट्रोड्यूस अ न्यू अप्रोच बाय एग्जामिंग द इकोनॉमी एज अ होल एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द सेक्टर्स। उन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड का मतलब पता है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, साथ में है। तो वैसे ही हमारा इस बुक में उन्होंने बताया है कि हर चीज़ का एक कॉज है ना,
यूएसए में आपकी चीज़ें हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका और कोई इम्पैक्ट है ही नहीं वर्ल्ड पे। वर्ल्ड पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, और जो वर्ल्ड में हो रहा है वो आपको भी इम्पैक्ट कर रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, यूएसए की कंडीशन और वर्सन हो गई जब नेबरिंग कंट्रीज उनके लिए कॉम्पिटिटर बन गई, है ना। तो हमें ये सारे कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है जो हम पहले समझते नहीं थे। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस मार्क द बर्थ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, तो एक तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक नया इंट्रोडक्शन मिला वर्ल्ड में कि क्यों ये ज़रूरी है। तो हमने क्या समझा कि यूएसए का जो डाउनफॉल आया उससे हमारी एक लर्निंग है कि हमें ज़रूरी है कि जो हमारे इंडिया में चल रहा है, एक छोटे से यूनिट में चल रहा है, उसको नहीं समझ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सब पे नज़र रखनी है, हर एक चीज़ को एनालाइज करना है ताकि आप मार्केट में स्टेबल रहें, आपकी इकॉनमी ग्रोइंग इकॉनमी हो, डेवलपिंग इकॉनमी हो। होपफुली ये वाली सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं, और कोई भी अगर आपके पास डाउट हो तो अगेन कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ आई, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए जल्दी से फटाक से। चलिए डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं फटाक से ऐसे शब्दों का प्रयोग इसलिए करती हूँ ताकि तुम लोग को भी थोड़ी हंसी आए, थोड़ा तुम लोग भी ऐसा बोर ना हो क्लासेस में, है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं ऐसा कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब आता है हमारे पास व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को जन्म दिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स सब पढ़ने लग गए, है क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स? ठीक है, पहले तो आपको याद रखना है कि मैक्रो का जो मीनिंग होता है मतलब होता है बहुत बड़ा, लार्ज, माइक्रो का छोटा सा। ठीक है, तो ये पहला मीनिंग होता है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। इतना समझ आया। अब याद रखना है कि मैक्रो में आता है ए, ए का होता है मतलब एग्रीगेट, यानी सबका समीशन, सबको मिला के। माइक्रो में इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होती है। ठीक है, माइक्रो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, एक छोटे यूनिट का हम स्टडी कर रहे हैं कि एक मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट का क्या प्राइस है। ठीक है, ऑरेंजेस के क्या प्राइस हैं, सबके क्या प्राइस हैं, लेकिन पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर हम बात करें अपनी इकोनॉमी की, सबके क्या प्राइसेस हैं, उसमें क्या इन्फ्लुएंस आता है, किस तरह की उसकी एग्रीगेट डिमांड है, सप्लाई है, इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। हमारे घर में कितनी इनकम आ रही है वो माइक्रो कॉन्सेप्ट है, पूरी इंडिया में कितनी इनकम जनरेट हो रही है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, मैक्रो। ठीक है, तो मैक्रो जैसे कि ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है फ्रॉम मैक्रो, जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, पहला पॉइंट, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग एग्रीगेट्स। अभी मैंने आपको बताया कि भाई मैक्रो में ए आता है मतलब एग्रीगेट, ऐसे याद रखना है। माइक्रो में जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, माइक्रो में आई आता है, आई इज फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, ए इज फॉर एग्रीगेट इन मैक्रो। सो एन एग्रीगेट इज अ कलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स विद सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी उसका एग्जाम्पल दिया था कि सब चीज़ों को जब हम इंक्लूड करते हैं दैट इज एन एग्रीगेट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने हैं, ठीक है, इनके आपको नोट्स भी बनाने हैं पूरे एकदम प्रॉपर तरीके से, मिस नहीं करने नोट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज्ड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ जॉन मेनार्ड कीन्स बुक द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इश्यूज दैट अफेक्ट एन इकॉनमी एज एन होल, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल यूनिट्स यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल, जब हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सच एज सेविंग्स एंड टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सारे हमारे एक तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आते हैं। इट इन्वेस्टिगेट्स द प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज एसोसिएटेड विद अटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपैंडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। जैसे कि आपने क्या बोला था, ट्रेडिशनल में क्या बोला था कि होना चाहिए, बट कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको आंसर करेगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से हम ले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। अभी वाली पिक्चर देखो, क्या क्या हम चीज़ें पढ़ते हैं, वी स्टडी नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, नेशनल आउटपुट। अच्छा, इन्फ्लेशन का मतलब पता है ना सभी को, कि नहीं पता तो हम बताते थे। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपके प्राइसेस में राइज होना शुरू होता है, या एक तरीके से हम बोल सकते हैं महंगाई। ठीक है,
इन्फ्लेशन का मतलब वो होता है, मुझे पता है काफ़ी लोग को पता है, लेकिन हो सकता है एक आध बच्चे को नहीं पता हो, कई बार हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब चीज़ें पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, तो वो मैं कर रही हूँ। चलो अब हम लोग देखो, ये हम ना ऑलरेडी हम कहाँ पढ़ चुके हैं, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं माइक्रो मैक्रो के बीच में डिफरेंस, लेकिन हम भूल जाते हैं तो फिर से रिवाइज करा देती हूँ, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, ठीक है। क्विक रिवीजन कर लें एक बार, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल मार्केट्स आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एज एन होल आता है, अभी हमने पढ़ा। जैसे कि माइक्रो में आई आता है आई एज फॉर इंडिविजुअल, इसमें ए आता है ए एज फॉर एग्रीगेट या एज एन इकोनॉमी एज ए होल, इतना क्लियर हुआ। स्टडीज द इफेक्ट ऑन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइजेस पे हम देखते हैं, इसलिए इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं एक तरीके से, है ना, इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। रुको मैं लिख देती हूँ तो आपका दिमाग में वो चीज़ें रहेगी, ठीक है। ये वाला दिखेगा नहीं इस पर को, ठीक है। समझ आ रहा है प्राइस थ्योरी। अब इसमें हम लोग इंडिविजुअल मार्केट्स को पढ़ते हैं, इसमें हम इकोनॉमी एज एन होल को पढ़ते हैं, ये चीज़ क्लियर हुई। ये चीज़ ना, ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, किसी ने पूछा तो ये तो आपके मुंह से निकलना ही चाहिए, नहीं निकला ना तो बहुत शर्म की बात है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अभी हमने पढ़ा है माइक्रो में आई मतलब इंडिविजुअल होता है, ए का मतलब एग्रीगेट्स होता है ना इकोनॉमी एज ए होल, और इसका मतलब होता है जब हम इकोनॉमी को इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो तुम लोग, समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसर्न विद इंडिविजुअल लेबल मार्केट्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर, कि इंडिविजुअल कस्टमर को क्या प्रेफरेंस है, ठीक है, या थोड़े से ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को क्या पसंद है। लेकिन जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो भाई पूरे हमारे वर्ल्ड में लोगों को क्या पसंद है, या हमारी एक इंडिविजुअल इकोनॉमी को अगर हम लेते हैं इंडिया की, तो पूरे इंडिया में लोगों को क्या पसंद है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैं बार 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 आपको एग्जाम्पल्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में कम से कम चार एग्जाम्पल्स में से एक आध एग्जाम्पल तो बैठेगा तो आप एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, और ये हमारा होता है नेशनल टेरिटोरियल एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट मेजर फैक्टर्स इंक्लूड होता है डिमांड सप्लाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। अब देखो ये तुम्हें आंसर याद ना हो ना तो अपना सिलेबस याद करके चले जाना कि माइक्रो में क्या क्या पढ़ा है मैक्रो में क्या क्या पढ़ा है, वही सब यहाँ पे लिख देना, ठीक है। नहीं भी याद हो तो पहला क्या है, डिमांड सप्लाई फैक्टर प्राइजिंग जो हमने हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में और डिटेल में, प्रोडक्शन कंजम्पशन सिंपल, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, नेशनल इनकम जीडीपी इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट बैंकिंग वगैरह सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो वो हमारा कौन सा हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स से पार्ट हो गया। होपफुली माइक्रो मैक्रो का जो हमने डिफरेंस ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुका है उसका थोड़ा रिविजन आपके दिमाग में आ गया होगा, और आने वाली क्लासेस में भी आपको बहुत अटेंटिव रहना है रेगुलर रहना है। देखो तो कोई भी डाउट होगा ना आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, लेकिन सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है पीछे, आपने सब्जेक्ट को अपने हाथ से जाने दिया ना तो ये आपके यहाँ से परसेंटेज लेके जाएगा। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया ना तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लोगों को यही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इसमें, बस आपको चीज़ों को समझना है और बाकी हर एक चीज़ ईजी है, ठीक है। और नोट्स टाइम पे बनाइएगा, हर एक चीज़ अच्छे से लिखिएगा, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्लास, जो आपने पूरा पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसा उसका इमर्जेंस हुआ, तो हमने पार्ट टू जो हमारा था ना इंट्रोडक्शन का वो हमने कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर वन का मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वीडियो पे बने रहना है, क्लासेस बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, रेगुलर रहना है। वंस अगेन मैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बता देती हूँ, ये एक ऐसा चैनल है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। फॉर सीबीएसई की अगर बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर 12th स्टैंड तक की सारे ही कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री हैं, और साथ ही में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी चैप्टर वाइज, है ना। तो हर एक चैप्टर को हम बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पे हम लोग क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक कवर करते हैं सारी चीज़ों को, हम लोग प्रोवाइड करते हैं ई नोटबुक्स और ई बुक्स भी, जिसको आप जाके एक तरीके से लिंक के थ्रू देख सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है उसको क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा और देखिएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी हम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पे तो आप हमें सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, बाकी जब सब जगह भी हमें फॉलो करिएगा ताकि कोई भी अपडेट और नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। हमारा खुद का ऐप भी है, आप वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं, सारे कोर्सेज गिवन हैं। अपार्ट फ्रॉम CBSE ये सारे हमारे जो बोर्ड्स हैं उसको भी हम सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे कि CBSE हो गया हमारा बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, देन वी हैव बिहार, यूपी, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड, साथ में हमारे पास स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स है। तो हर एक चीज़ आपको एक चैनल पे मिल जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।